मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। इट्स वीकेंड, आई एम रियली हैप्पी ऑन ऑलवेज वीकेंड। एंड आज कोई आ भी रहा है घर पे आनु से मिलने के लिए और मुझसे मिलने के लिए। सो आई एम जस्ट मेरे को सुबह उठ के जल्दी बहुत सारे काम करने हैं। नाश्ता करना है, आनु को रेडी करना है, खुद को रेडी करना है, लंच की प्रिपरेशन करके जानी है। एंड देन जो गेस्ट आ रहे हैं उनको स्टेशन जाना है, चंडीगढ़ स्टेशन लेने के लिए। सो बस मैं अभी फटाफट रेडी होके, मैंने अपनी मेन आंटी को भी आज जल्दी बुला लिया था, फटाफट रेडी होके आई एल जस्ट डू ऑल द वर्क एंड देन हमको स्टेशन लेने जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड इन माय व्लॉग एंड एंड तक जरूर देखना कौन आ रहा है आनु से मिलने। सो हियर वी गो। मैंने अपनी चाय पी ली और आनु बेबी अपनी सोने का सेकंड राउंड शुरू करने वाली है, बट उससे पहले मैं इसको तैयार कर दूंगी कि अगर ये सो गई तो सारा सिस्टम और टाइमिंग अप डाउन हो जाएगा जो हमने प्लान कर रखा है। बिकॉज मुझे उन गेस्ट को लेने जाने से पहले मार्केट भी जाना है, मेरे को छोटा सा काम मुझे याद आ गया, मेरे को वो करना है उससे पहले। और इसको जो मैं जा रही हूँ अब तैयार करने, मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, हम लोग निकल गए आनु की नानी को लेने के लिए स्टेशन पे, जो आज आ रही हैं, मतलब मेरी बुआ जी आ रही हैं और आनु की नानी। और आनु स्वागत करेगी सोते हुए, शी स्लीपिंग राइट नाउ, नहा धो के इसको अच्छे से नींद आ रही है। सो अब हम लोग जस्ट पहुंचेंगे थोड़ी देर में आनु से मिलने। नानी आ गई। आनु आनु देखो मम्मा के खाए। आनु को गिफ्ट भी मिल गया है। आनु आनु शैतान, चलो अपना गिफ्ट खोलो। आप खोलो क्या आया गिफ्ट निकालो, में गिफ्ट निकालो अनु, निकाल दो बुआ जी आप भी। ये पिन्नी फाड़ दी मुंह में डाल डाल के। अरे वाह, सो क्यूट, कितना प्यारा टॉय है अनु के लिए। ओहो, इसकी भी नाक खा लो, खा लो खा लो शैतान। मैं हो गई हूँ रेडी एंड बुआ आए हुए हैं, तो हम बुआ को अभी लेके जा रहे हैं सुखना लेक। और आनु को भी, वो बहुत छोटी थी जब गई थी, अभी हम उसको लेके जा रहे हैं सुखना लेक घुमाने के लिए। देन वी विल हैव अ डिनर आउटसाइड, सो थोड़ा मस्ती। सो स्टे ट्यून एंड सी माय ब्लॉग। आज बहुत ज्यादा जाम है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं। उस साइड तो खुला है बट इस साइड बहुत ज्यादा जाम है चंडीगढ़ में, पता नहीं क्यों। हम लोगों ने प्लान किया था सुखना लेक जाएंगे, बट आई डोंट नो, आज चंडीगढ़ में इतना जाम है कि हम लोग पंचकुला भी एक घंटे में पहुंचे। सो वी डिसाइडेड कि आज पंचकुला में एक बहुत फेमस टाउन पार्क है, वहाँ पे घूमते हैं एंड डिनर करते हैं। चंडीगढ़ सुखना लेक हम कल सुबह जाएंगे, सुबह सुबह जाना इज गुड। आई डोंट नो चंडीगढ़ में साया है शादी, आई डोंट नो क्या है, बट बहुत बहुत ज़्यादा जाम है। और रीचिंग पंचकुला वॉज अ टास्क, तो चंडीगढ़ जाना तो और हाफ एन आवर दूर हो गया। सो अभी हम लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं, आनु है अपनी नानी के साथ, मीन्स मेरी बुआ के साथ, एंजॉय। सो मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग बहुत फेमस ढाबे में अभी जाएंगे टू हैव डिनर। एंड अब यही, क्योंकि हम लोग एक्चुअली लेट हो गए थे निकलने में, और मैं सच बताऊँ तो चंडीगढ़ जाने में और हमें एक घंटा लग सकता था सुखना लेक तक, मतलब गूगल मैप्स 40-45 मिनट दिखा रहा था यहाँ से। आई डोंट नो आज चंडीगढ़ में क्या हुआ है, इट्स एक्सेस जाम। जब हम लोग उनको स्टेशन भी लेने गए थे तब भी हम लोग स्टेशन जो 15 मिनट है, हमें एक घंटा लग गया। सो दिस इज द, यू कैन से आज यहाँ पे चल रहा है। सो विल गो सुखना टुमारो, चेंज इन प्लान। ओ शिट, में काली हो गई, एक तो पार्क में लाइट का इशू गाइस। तो हम लोग पहुंच गए सेक्टर 9 की मार्केट, सेक्टर 10 भी कह सकते हो बिकॉज उसके जस्ट पीछे सेक्टर 10 है। और यहाँ पे वोरा बहुत बहुत मस्त ढाबा है, उसका खाना बहुत यमी है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। एंड हम लोग हमेशा पंचकुला आते हैं तो यहाँ पे ही अपन लोग डिनर करते हैं, बिकॉज इसका एकदम ढाबे वाला खाना और बहुत ही मस्त जाती है खाना खा के। एंड हम लोग जो भी हमारे घर में गेस्ट आता है ना, हम उनको यही खाना खिलाते हैं मस्त। सो इस ढाबे का नाम है अपना वैष्णो ढाबा, जो पंचकुला में है सेक्टर 10। और आप लोग अगर यहाँ आसपास रहते हो तो इसका खाना पक्का से ट्राई करो, इट्स रियली रियली वेरी ऑसम। अभी आप फोटोज देखना। ये मंगाया हमने बढ़िया सरसों का साग, पनीर और हमारी फेवरेट दाल मखनी, बहुत अमेजिंग खाना है, मतलब एकदम ढाबे वाली फील चाहिए। बटर नान अमेजिंग, देखो ज़रा कितना यमी है, मन कर गया होगा आप लोगों का खाने का। और मेरे छोटू बाबू कुछ मेरा छोटू बेबी। हेलो गाइस, दैट वाज इट फॉर द डे। और अब मैं मिलूंगी आपसे कल। अब हम लोग करेंगे अपनी गपशप बातें और फिर जस्ट सो जाएंगे। आनु बेबी सो चुके हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। एंड आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब हम लोग थोड़ी गपशप और बातें करेंगे, आइसक्रीम खा के।
और फिर जल्दी सोएंगे बिकॉज बुआ सुबह जल्दी निकली थी शताब्दी से आई थी वो दिल्ली टू शताब्दी इज रियली रियली वेरी गुड 3.5 घंटे एग्जैक्ट टाइम पे 11:05 to 11:05 आपको पहुंचा देती है बल्कि हम लोग सुबह भी उनको लेने जाने में लेट हो गए थे बिकॉज आई डोंट नो आज क्या है और चंडीगढ़ में बहुत बहुत ज्यादा जाम था। सो स्टे ट्यून एंड अब आपसे मिलती हूँ कल। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट गाइज।